आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् देशातारिणे मंशाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्ट प्रायशो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपर कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्ववेदांत सारमे श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृता तृप्तस्य नान्यत्र शाद्रति क्वचित् आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद धाम वृंदावन रम्य काचिदुपासना ब्रज वधूवर्गेण या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम कुमार्थम श्री चैतन्य महाप्रभुमतम इदम तत्राधरो न परम मूकं करोति वाचालम अंगूलं क्रियते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम कल हमने श्रवण किया था श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 18वें अध्याय से किस प्रकार से भगवान वामन का अवतार हुआ और वामन के अवतार में किस तरह से
देवताओं द्वारा, गंधर्वों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई, ऊपर से आकाश से फूल बरसाए गए थे, पुष्प बरसाए गए थे। ये भगवान का जो अवतरण है, ये श्रवण द्वादशी जो भद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के उस दिन हुआ था। इस दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त, तब भगवान का यह अवतरण हुआ था। उस समय सभी दिशाओं में नदी तथा सागर जैसे जलागरों में तथा सबों के हृदय में प्रसन्नता व्याप्त थी। भगवान जब प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था और वो द्वादशी को विजया द्वादशी कहते हैं। शंख ढोल मृदंग प्रणव तथा आनक बजने लगे थे। इसके अतिरिक्त अन्य विविध वाद्य यंत्रों की ध्वनि अत्यंत कोलाहलपूर्ण थी। अत्यधिक हर्षित होकर अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगी थी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे थे और महामुनि देवता मनु पितरगण तथा अग्नि देवों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस सुपर्ण सर्पलोक के सर्वेश निवासी देवता के अनुयायी इन सबों ने भगवान का यशोगान तथा प्रशंसा करते हुए नृत्य करते हुए अदिति के निवास स्थान पर इतने फूल बरसाए कि उनका पूरा घर ढक गया था। अदिति बहुत आश्चर्यचकित रह गई थी। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप को परम सुख एवं आश्चर्य के वशीभूत होकर जय 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 का घोष करने लगे। भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध रूप धारण किए हुए थे। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप बहुत ही जगत में दृश्य है। तत्पश्चात माता पिता की उपस्थिति में उन्होंने बाल ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया था, जैसे कोई नट कर लेता। जब ऋषियों ने भगवान को बाल ब्रह्मचारी के रूप में देखा था तो बहुत प्रसन्न हुए, कह रहे हैं भगवान भी ब्रह्मचारी बन गए। अतः प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान तथा जन्म संस्कार संपन्न किए। वामन देव के यज्ञ पवित्र संस्कार के समय सूर्य देव ने स्वयं गायत्री मंत्र का जप कराया था। बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया था और कश्यप मुनि ने मूंज की माला भेंट की। माता पृथ्वी ने मृग चर्म प्रदान किया था तथा वनस्पति के राजा चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्म दंड प्रदान किया था। उनकी माता अदिति ने उन्हें कोपिन के लिए वस्त्र तथा स्वर्गलोक के अधिष्ठाता देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया था। सप्त ऋषि ने कुशा और माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला भेंट की थी जब वो ब्रह्मचारी बने। इस प्रकार से वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार उत्पन्न हुआ। सबने गिफ्ट दिया था अपने अपने तरफ से। यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा पात्र दिया था क्योंकि अभी उनको यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और ब्रह्मचारी दीक्षा दी। शिव पत्नी ब्रह्मांड की परम साधी माता भगवानी ने उन्हें पहली दीक्षा दी। आगे 18वें श्लोक से आज हम श्रवण करेंगे। स ब्रह्म वर्चसेनेवम् सभां संभावितः बटु ब्रह्म ऋषि गण संजुष्टाम अति अरो चतह महर्षि। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रदर्शित किया। इस तरह महान संत ब्राह्मणों की इस पूरी सभा में वे अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगते। समधिमाहितं बहिं कृत्वा परिसमूहन परिस्थिरिय सभ्यचर्ये समिद्धि अजुहोत बीज। तत्पश्चात श्री वामन देव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, पूजा संपन्न की और यज्ञशाला में यज्ञ किया। श्रुत्वा 20वें श्लोक में आता है। श्रुत्वा अश्वमेधे यजमानं मूर्जितं बलिं भुगुरामुपकल्पते ते ततः
जगाम तत्र अखिल सार संभ्रत संभ्रत भारेण गाम सन्मयन पदे पदे। जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे, तो सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां से चल पड़े। भगवान को पता लगा कि बलि महाराज अभी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान वामन रूप में बाल ब्रह्मचारी के रूप में गए वहां पे बलि महाराज पर अपनी कृपा करने के लिए चल पड़े। जब वो वामन देव एक एक डग भरने पर उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी, तात्पर्य भगवान अखिल सार संभ्रत अर्थात इस जगत में जो भी आवश्यक वस्तु है वो उसके स्वामी। इस तरह यद्यपि वे बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने जा रहे थे किंतु वे सदैव परिपूर्ण है, उन्हें किसी से भी कुछ नहीं मांगना रहता। दरअसल वे इतने शक्तिमान हैं कि अपने तेज के कारण प्रत्येक डग से पृथ्वी की सतह को दबा रहे थे। तम नर्मदाया तटे उत्तरे बले ये रिजते भृगु कच्छ संग के प्रवर्तयन्त भृगव कृदुत्तमम् चक्षतारातुदितम् यथा रवि। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगु कक्ष नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहित ने वामन देव को ऐसे देखा मानो पास में ही सूर्य उदय हो रहा हो। जब उस जगह पे पहुंचे जहां पे बलि महाराज उपस्थित थे और अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो जब पुरोहितों ने जब बलि महाराज ने जो यज्ञ कराया था उसमें जब पुरोहितों को नियुक्त किया था, पुरोहितों ने जब देखा बलि महाराज वामन देव को तो ऐसा देखा मानो सूर्य उदय हो रहा था, ऐसा दिखे वामन देव जी। किस लिए गए थे वहां पे? वो बलि महाराज पे कृपा करने गए थे। बलि महाराज वहां पे बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 22वें श्लोक में आता है तेरे विजय यजमान सदस्य अत वामन तेज सानृप सूर्य किलाया विभावसु आयाति उत्वा विभा आयाति उत्वा विभवसु सनत कुमारो अथ दिदक्षया क्रतो। ये राजन वामन देव के उदयमान तेज से बलि महाराज एवं सभा के सारे सदस्य सहित सारे पुरोहित तेजी हो गए। वे परस्पर पूछने लगे कहीं साक्षात सूर्यदेव अथवा सनत कुमार या अग्निदेव तो यज्ञोत्सव को देखने नहीं आए। सभी लोग इस तरह से आश्चर्यचकित हो गए। इत्थं सशिष्ये सुभृगुषु वने गदा वितर्किमाणा भगवान् स वामनः छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलुं विवेश विभ्रत अयमेधवाटम्। जब भृगुवंशी पुरोहित तथा अनेक शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में संलग्न थे उसी समय भगवान वामन देव के हाथों में दंड छाता तथा जल से भरा कमंडल लिए अश्वमेध यज्ञशाला में प्रविष्ट। जब भृगुवंशी पुरोहित तथा शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में लगे हुए थे उस समय भगवान वामन देव हाथ में दंड लिए छाता लिए तथा जल से भरा कमंडल लिए अश्वमेध यज्ञशाला में प्रविष्ट। मोंच्या मेखलया वीतम उपवीत अजिन उत्तरम जटिलम वामनम विप्रम
माया माणव कम हरिम प्रविष्टम वीक्ष भृगवः स शिष्याते स अग्निभिः प्रत्युग्रहत समुत्थाय संक्षिप्ता तस्य तेजसा। भगवान वामन देव मूंज की मेखला जनेऊ मृगु चर्म कौत्रीय वस्त्र तथा जटाजूट धारण किए हुए ब्राह्मण बालक के रूप में उस यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। उनके तेज से सारे पुरोहितों एवं उनके शिष्यों का तेज घट गया। वे अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और प्रणाम करते हुए सबों ने समुचित रीति से उनका स्वागत किया। मौंजिया मेखलया वीतम उपवित अजिन उत्तरम जटिलम वामनम विप्रम माया माणव कमा हरि प्रविष्टम वीक्ष भृगव स शिष्याते स अग्निभि प्रत्यग्रह समुत्थाय संक्षिपा तस्य तेजसा। भगवान वामन देव की मूंज की मेखला जनेऊ मृग चर्म का उत्तरी वस्त्र तथा जटाजूट धारण किए ब्राह्मण बालक के रूप में उसी के शाला में प्रविष्ट हुए। उनके तेज से सारे पुरोहित एवं उनके शिष्यों का तेज घट गया। वे अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और प्रणाम करते हुए सबों ने समुचित रीति से उनका स्वागत किया। यजमान प्रमोदित दर्शनीय मनोरम रूप अनुरूप अव्ययम तस्मे आसनम आहरत। भगवान वामन देव को देखकर अति प्रफुल्लित बलि महाराज ने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भगवान के शरीर के सुंदर अंग उनके शरीर की सुंदरता को समान रूप से योगदान दे रहे थे। 27वां श्लोक है। स्वागतेन अभिनंद्य अथ पादो भगवतो बलि अभिनिज्य आचर्य अर्चिया मास मुक्त संग मनोरमम। इस प्रकार मुक्त आत्माओं को सदैव सुंदर लगने वाले भगवान का समुचित स्वागत करते हुए बलि महाराज ने उन वामन देव के चरण कमल पखार कर उनकी पूजा की। 28वां श्लोक है। तत्पाद शोचम जनकल्मषपहम सधर्म वितनोर्धने अदधात सुमंगलम यत देवादेव गिरिशा चंद्र मौली दधार मूर्धना परया च भक्त्या। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह धारण करने वाले शिवजी विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले गंगा जल को अपने सिर पर भक्ति पूर्वक धारण कर धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाले होने के कारण बलि महाराज को ज्ञात था। फलस्वरूप शिवजी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालन से प्राप्त जल को अपने सिर पर रखा। तत्पर शिवजी गंगाधर कहलाते हैं अर्थात वे जो अपने सिर पर गंगा जल धारण करते। शिवजी के ललाट पर अर्धचंद्र का प्रतीक चिन्ह लगा रहता है फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम आदर प्रदान करने के लिए शिवजी ने इस चिन्ह के ऊपर गंगा जल को धारण किया। इस उदाहरण का पालन हर एक को अथवा कम से कम हर एक भक्त को करना चाहिए क्योंकि शिवजी महाजनों में से एक। इस प्रकार बलि महाराज भी बाद में महाजन बन गए। एक महाजन दूसरे महाजन का अनुसरण करता है और महाजन परंपरा का अनुगमन करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना में प्रगति कर सकता है। गंगा जल पवित्र होता है क्योंकि यह भगवान विष्णु के चरण के अंगूठे से निकलता है। बलि महाराज ने वामन देव के चरणों को प्रक्षालित किया और जिस जल से उन्होंने प्रक्षालन किया वो गंगा जल के तुल्य बन गया। एक तो गंगा जल वामन देव अभी टच करेंगे तो आई रहे लेकिन अभी बलि महाराज ने भी गंगा उनको प्रक्षालन किया वो भी गंगा जल। तो जिस भी जल से भगवान को प्रक्षालित किया जाए गंगा जल। अतः समस्त धर्मों के ज्ञाता बलि महाराज ने शिव जी का अनुसरण करते हुए इस जल को अपने सिर पर लगा। श्री बलिरुवाच स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते ब्रह्म ऋषि नाम तप साक्षात मन्ये पारि पपुधरम। तब बलि महाराज ने वामन देव से कहा हे ब्राह्मण मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ कृपया बतलाएं कि हम आपके लिए क्या करें।
हम आपको ब्रह्म ऋषियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। वामन देव जी का स्वागत किया सभी और प्राप्त कर बलि महाराज ने भी, हालांकि असुर कुल के राजा थे लेकिन बहुत सुंदर तरीके से उसको हमको स्वागत किया। अध्ययन पितर तृप्ता अध्ययन पावित कुलम अद्य सुविष्ट तुयम यत भवान आगत ग्रह। हे प्रभु, आप हमारे घर पर पधारे हैं अतः मेरे सारे पूर्वज संतुष्ट हो गए। हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया और हम जिस यज्ञ कर रहे थे वो आपकी उपस्थिति से पूरा हो गया। तो सब लोग भगवान वामदेव जी का इस तरह स्वागत करते कहने लगे। अध्याग्नया में सुताय था विधि विजात्मज त्वच्छरणा ने जने हतांस वार भी इयम च भूवो तथा पुनीता तनु भी पदे तव। हे ब्राह्मण पुत्र, आज यह यज्ञ अग्नि शास्त्र के आदेश के अनुसार प्रज्वलित हुई है और आपके पाद प्रक्षाली जल से मैं अपने पाप कर्मों के समस्त फल से मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके लघु चरणारविंद के स्पर्श से समग्र जगती तल पवित्र हो गया। बटो वांछसि तत्प्रचित्त में पामार्थिनं विप्रसुतानुतर्कये गां काञ्चनं गोणमतधाममुष्टं तथा अन्नपेयम् उत वा विप्रकन्या ग्रामान् समुद्धान् पुरगान् गजान् वा रथान् तथा रततं सम्प्रतीक्ष। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए। ये बलि महाराज प्रार्थना करते हैं कि आपके आने से मेरा आप घर मेरे पूर्वज संतुष्ट हो गए, हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया और हम जिस यज्ञ कर रहे थे वो आपके उपस्थिति से पूरा हो गया। ब्राह्मण पुत्र, आज ये यज्ञ अग्नि शास्त्र के आदेश के अनुसार प्रज्वलित हुई और आपके पाद प्रच्छा भी जल से मैं आपके पाप कर्मों के समस्त फल अपने पाप कर्मों के समस्त फलों से मुक्त हो गया। हे स्वामी, आप लघु चरणारविंद के स्पर्श समग्र जगती तल पवित्र हो गया। अली महाराज बोलते, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए, अतः आप चाहे जो भी मांग ले। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गाय, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी इच्छा हो मुझसे ले सकते। इस तरह से बलि महाराज ने वामन देव का सत्कार किया और उनसे पूछा उनके आने का उद्देश्य। इस पूछने के साथ ये अध्याय, जो वामन अवतार था, भगवान वामन देव का अध्याय खत्म हुआ। 18वां अध्याय खत्म हुआ, 19वां अध्याय स्टार्ट हुआ। 19वें अध्याय का नाम है बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। श्री शुकवाच इति विरोचने वाक्यम धर्म युक्तम ससुनु सुनुतम निशम्य भगवान प्रीत पति नंद्य इदम अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार मन भावन ढंग से बोलते हुए सुना जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार मन भावन ढंग से बोलते हुए सुना तो ये परम प्रसन्न हो गए
क्योंकि बलि महाराज धार्मिक सिद्धांत के अनुरूप ही बोले थे। इस तरह वे बलि की प्रशंसा करने लगे। श्री भगवान उवाच वचस्त्वैतत् जनदेव सुनुतम् उचितं धर्मयुतं व्यशकरं यस्य प्रमाणं भगवसांपरायण पिता महाकुलवृत्त प्रशांत। भगवान ने कहा, राजन तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी हैं। वामन देव जी बोलते हैं, बलि महाराज की प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं, राजन तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी हैं और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे पितामह प्रहलाद महाराज दादाजी, जो शांत एवं सम्मानी हैं। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य हैं और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। ये तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप है और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के जीवंत का उदाहरण है। तो यहाँ पे भगवान वामन देव बलि महाराज के जब पहुंचे तो प्रहलाद बलि महाराज की दादा की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम प्रहलाद महाराज के वंश में उनके पोते। वो ये तर्क कर सकता है कि वृद्ध होते हुए चूंकि प्रहलाद महाराज अपने परिवार के प्रति, विशेष रूप से अपने पोत्र बलि महाराज के प्रति आसक्त है, तो फिर वे आदर्श कैसे बन सकते हैं। इसलिए श्लोक में प्रशांत शब्द आया। भक्त सदैव प्रशांत होता है, वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। भले व्यस्त जीवन क्यों न बिता रहा और भौतिक वस्तुओं का त्याग न कर पा रहा, तो भी उसे प्रशांत समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की भक्ति के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। चाहे कोई, चाहे ब्राह्मण हो या सन्यासी अथवा शूद्र हो, चाहे जो भी, यदि वो कृष्ण तत्व को जानता है तो गुरु बन सकता है। कृष्ण का पूर्ण तत्ववेत्ता चाहे जीवन में किसी भी पद पर हो, गुरु होता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज सभी परिस्थितियों में गुरु। यहाँ पर भगवान वामन देव सन्यासियों तथा ब्रह्मचारी को शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि महाराज ने मुंह मांगा दान देना चाहा। नहीं तस्मिन् कुले कश्चित् नहीं सत्व कृपणः पुमान् प्रत्याख्यातः प्रतिशुप्य येवा अदाता विजातः। मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जो संकीर्ण मन वाला एक कंजूस। ये भगवान उनकी प्रशंसा करें वामन देव जी महाराज की, बलि महाराज की, कि मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जो संकीर्ण मन वाला एक कंजूस हो। किसी ने न तो ब्राह्मणों को दान देने से मना किया, न ही दान देने वाले का वचन देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हुआ। ये भगवान बलि महाराज की प्रशंसा करो वामन देव जी। वामन देव जी अभी बलि महाराज के यहाँ पहुंचे यज्ञशाला। आगे बोलते, न संति तीर्थे युधिचर्थिनार्थिता परा मुखाये तो अमस अमन स्विंग्रप युष्म कुले यशामे अमलेन प्रहलाद उद्भाति यथा उड़के। राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर दान न दिया हो, या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। तात्पर्य, भगवद गीता में क्षत्रिय के लक्षण दिए गए, उनमें से एक लक्षण है दान देने की प्रवृत्ति। क्षत्रिय न तो कभी ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर दान देने से मना करता है और न अन्य क्षत्रिय से युद्ध करने से इनकार करता है। जो राजा मना करता है क्षुद्र हृदय कहलाता है। बलि महाराज के वंश में से क्षुद्र हृदय राजा कभी नहीं।
तो इसलिए वामन देव जी उनकी प्रशंसा करें, उनके वंश की प्रशंसा करें। आगे बोल रहे हैं, यतो जातो हिरणाक्ष चरण एक इमाम महिम पृथ्वीवीरम दिग्विजय नाविंदत गदायुधा। तुम्हारे वंश में हिरणाक्ष ने जन्म लिया था, वह केवल अपनी गदा लेकर सारी दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी सहायता के पूरी पृथ्वी में अकेले घूम आया, किंतु उसे कोई ऐसा वीर न मिला जो उसका सामना कर सके। भगवान वामदेव जी ये भी प्रशंसा कर, उन्हीं ने भगवान ने वराह अवतार में हिरणाक्ष को मारा था, अभी बलि महाराज के वंश की और दान की प्रशंसा कर। यम विनिर्जत्य कृच्छेन विष्णु क्षमा उद्धार विष्णु क्षमा उद्धार आगत आत्मानं जैनं मेने तत वीर्यं भूरि अनुस्मरण। गर्भोदक्षाय सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरणाक्ष का वध किया जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था। तब घमासान युद्ध और भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मारा। बाद में जब भगवान ने हिरणाक्ष के असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया तो उन्होंने अपने को सचमुच विजयी अनुभव किया। कि हिरणाक्ष जैसे असाधारण पराक्रम वाले को मारा तो भगवान को भी सेटिस्फेक्शन मिला। ये भगवान की लीला का हिस्सा, भगवान के लिए तो कोई कठिनाई नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने लीला की। निशम्य तत्वदं भ्राता हिरण्यकशिपु पुरा हन्तुं धात हरणं क्रुद्ध जगाम निलयम हरे। जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उसके भाई का वध कर दिया गया तो वो अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मारने के लिए उनके धाम गया। तम आयांतम समालोक्य शूल पाणिम कृतांतवत चिंतियाम आस कालज्ञ विष्णु माया विनम्बर। हिरण्यकशिपु को हाथ में त्रिशूल साक्षात काल की भांति आगे बढ़ते देखकर समस्त मायावियों में श्रेष्ठ तथा काल की गति को जानने वाले भगवान विष्णु ने इस प्रकार सोचा, ये सब बता रहे वामन जी खुद ही विष्णु, यतो यतो हम तत्र असो मृत्यु प्राण भ्रतां भी अतः अहम अत्स हृदय परेक्ष्यामि पराग दर्शन। जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा हिरण्यकशिपु मेरा पीछा करेगा, जिस तरह मृत्यु सबका पीछा करती है, अतः मेरे लिए यही श्रेष्ठ करेगा कि उसके अंतस्थल में प्रवेश कर जाऊँ। तब वो अपनी तब ये आपके अपनी केवल बहिर्मुखी दृष्टि की शक्ति के कारण मुझे नहीं देख सकेगा। ये वामन देव जी बता रहे हैं, बलि महाराज की प्रशंसा करते, हिरण्यकशिपु की भी प्रशंसा कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, एवं सनिश्चित रिपो शरीर आधा वतने विशेषास्त्रेन्द्रिय श्वासनीलंत हित सूक्ष्म देह तत प्राण रंध्रेण विविघ्न चेत। भगवान वामन देव ने आगे कहा, सिराज इस निर्णय के बाद भगवान अपनी पीछे तेजी से दौड़ते हुए अपने शत्रु हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म शरीर जिसकी हिरण्यकशिपु कल्पना भी नहीं कर सकता था धारण करके चिंतामग्न भगवान विष्णु उसकी श्वास के साथ उसके नथुने में प्रविष्ट कर। तात्पर्य, भगवान तो पहले से हर एक के हृदय में विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अतः तर्क के अनुसार हिरण्यकशिपु के शरीर के भीतर प्रवेश करना विष्णु के लिए जरा भी कठिन नहीं। विविघ्न चेता शब्द महत्वपूर्ण, इस कार्य के अत्यंत चिंतित। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु से भयभीत थे, परंतु तो करुणावश भगवान चिंतित थे कि उसके कल्याण के लिए क्या किया जाए। श्लोक सतन्निकेतं परिमृश शून्य मम पश्यमान कुपितो ननाद क्षमाद्यां दिशः खम विवरान समुद्रान विष्णु विचिन्वन ददर्श वीर। भगवान विष्णु के निवास स्थान को रिक्त देखकर हिरण्यकशिपु ने सर्वत्र की खोज करना शुरू किया। विष्णु तो हिरण्यकशिपु के शरीर में ही प्रवेश कर रहे थे सूक्ष्म रूप से, उन्हें न पाने के कारण कुपित होकर हिरण्यकशिपु ने जोर से गर्जना की और फिर सारे ब्रह्मांड पृथ्वीलोक स्वर्गलोक सारी दिशाओं तथा सारी गुफाओं समुद्र में उन्हें खोजना शुरू किया, किंतु महान वीर विष्णु को कहीं नहीं देख पाए।
अपश्यन्निति अवाच मया अन्विष्टम् इदं जगत् भ्रातरः मे गतः नूनं यतो नावर्तते पुमान। उन्हें न देखकर हिरण्यकश्यप ने कहा, मैंने सारा ब्रह्मांड शान मारा किंतु अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मैं नहीं पा सका। अतः वह अवश्य इसी जगह चला गया होगा जहाँ से कभी लौट के नहीं आ सकता। हिरण्यकश्यप सोच रहा, मैंने भगवान विष्णु को ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले, लगता है इसी जगह पे चले गए जहाँ से कभी आएंगे नहीं। तात्पर्य, सामान्यतः नास्तिक लोग बौद्ध दर्शन के इस निर्णय के अनुयायी होते हैं कि मृत्यु के पास सब कुछ समाप्त हो जाता। नास्तिक होने के कारण हिरण्यकश्यप ने भी यही सोचा कि भगवान विष्णु दिख नहीं रहे इसलिए मर गए, लेकिन ईश्वर कभी मृत नहीं होता। यहाँ तक कि जीव का अंश, ईश्वर का अंश जीव भी कभी मृत नहीं होता। न जायते मृ यते वा कदाचित, आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न मृत्यु, ये भगवद गीता का कथा। यहाँ तक कि सामान्य जीव ने कभी न जन्म लेता है न मरता है, तो फिर भगवान के विषय में कहा क्या कहा जाए जो समस्त जीवों के स्वामी है। निश्चय वे न तो कभी जन्मते हैं न मरते हैं। भौतिक दृष्टि से तो हर जीव मरता है, शरीर खत्म होता है, मृत्यु असंभव है, किंतु कर्मी ज्ञानी तथा योगी जन मृत्यु के बाद इस भौतिक जगत में लौट आते हैं, जबकि भक्त नहीं लौट। यहाँ यदि भक्ति परिपूर्ण नहीं है तो फिर से भौतिक जगत में आना पड़ता है, कि तो उस समय में वो किसी उच्च पद पर धनी कुल में या शुद्ध ब्राह्मण के घर जन्म लेता है। शुचि नाम श्री मतांगे। वैरानुबंध एतावान् अमृत्यो यदेहिनाम् अज्ञान प्रभो मन्यु अहम् मानोपब्रह्म। तात्पर्य, सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि बद्ध जीव यदि क्रोध हो जाए तो उसका क्रोध शाश्वत न होकर क्षणिक होता है। यदि बद्ध जीव ऐसा अज्ञान के कारण, ऐसा अज्ञान के कारण होता है, किंतु किंतु हिरण्यकश्यप विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता एवं अपने क्रोध को आमरण बनाए रखा, लास्ट तक बनाए रखा। वह विष्णु से बदला लेने की प्रवृत्ति को कभी नहीं भुला पाया, क्योंकि उन्होंने विष्णु ने उनके भाई को मारा। देहात्म बुद्धि से ग्रस्त अन्य लोग अपने शत्रुओं पर क्रुद्ध रहते हैं लेकिन भगवान विष्णु पर नहीं, किंतु हिरण्यकश्यप लगातार क्रुद्ध रहा। वह न केवल मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण अपितु निरंतर शत्रुता के कारण भी विष्णु के प्रति क्रुद्ध। पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद विद्वान् द्विजवत्सलः स्वयं आयु द्विजलिंगेभ्य देवेभ्य अदात् स याचित। आगे भगवान वामन देव जी उनसे बोलते हैं, बलि महाराज से तुम्हारे पिता विरोचन जो प्रहलाद महाराज के पुत्र थे ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे, यद्यपि भली भांति जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए थे, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने अपनी आयु दे डाली। विरोचन ने भी तो तात्पर्य में बताते हैं कि बलि के पिता महाराज विरोचन ब्राह्मण वर्ग से इतने प्रसन्न थे, ये जानते हुए कि उनसे दान लेने के लिए ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवता स्वयं आए तो भी उन्होंने दान देना स्वीकार कर दिया विरोचन, जबकि वह अशुद्ध कुल के थे। भवानाचरितान् धर्मान् आस्थित ग्रमे दिवि ब्राह्मणे पूर्वजे शूरे अन्ये च उद्यान के प्रिय। तुमने भी ग्रस्त ब्राह्मणों अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात शूरवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया। बलि महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने भी तो ग्रस्त ब्राह्मणों अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात शूरवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांत का पालन किया। तस्मात् ततः महिम ईशत वरणे अहम वरद ऋषभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संवितानि पदा मम। हेतु दैत्यराज, ऐसे कुली ने मुक्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों की माप की केवल 3 पद भूमि की याचना करता। क्योंकि तो बलि महाराज ने पूछा था आपके आने का उद्देश्य कुछ याचना मांगना, तो अब जाके सारी प्रशंसा करने के बाद में वामन देव जी बोलते हैं,
ऐसे कुलीन है, मुक्त हस्त दान देने वाले, आप तो इतने लिबरल है दान देने, मुक्त हस्त से दान देते हैं, फ्री हैंड से दान देते हैं। आपसे मैं अपने पैरों की माप केवल तीन भूमि की याचना, तीन पद भूमि की याचना करता हूँ। आप तरी भगवान वामन देव अपने पैरों के माप के बराबर केवल तीन पद भूमि की चाह रहे, उन्होंने आवश्यकता से अधिक भूमि नहीं चाहिए, किंतु यद्यपि उन्होंने सामान्य मानवीय बालक का वेश बना रखा था, वास्तव में मैं ऊर्ध मध्य तथा अधोलोक से घिरी हुई भूमि को दान में लेना चाह रहा। भगवान तीन पर मांग रहे थे, लेकिन वास्तव में तीनों लोगों को नापना चाह रहे थे, उनकी इच्छा थी। भगवान ने अपना पराक्रम दिखाने के लिए ऐसा किया जिससे लोगों को भगवान की महिमा का पता लगे। नान्यत्ते कामये राजन वदान्यात जगति ईश्वरा न एन प्राप्नोति वे विद्वान यावत अत प्रतिग्रह। हे समस्त ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहे मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता अनुसार दान देता है तो वो पाप पुण्य कर्मों में नहीं फंसता। यहाँ पे वामन देव जी बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा नहीं चाहता, मेरे को केवल तीन पग भूमि चाहिए, हालांकि आप ज़्यादा दे सकते हैं। बलि महाराज पूछा, लेकिन जो व्यक्ति अपनी ज़्यादा से आवश्यकता से ज़्यादा मांगता हो पाप पुण्य कर्मों में फंस जाता है। तत्पर ये कोई ब्राह्मण या सन्यासी अन्यों से दान मांग सकता है, किंतु यदि वो आवश्यकता से अधिक लेता है तो दंडनीय है। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भगवान की संपत्ति को भोग नहीं कर सकता। भगवान वामन देव अप्रत्यक्ष रूप से बलि महाराज को इंगित कर रहे हैं कि उसके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। बलि महाराज वो सोच रहे हैं कि बलि महाराज को मैं पहले ही बताता हूँ कि आपके पास तो बहुत भूमि है, लेकिन मुझे और नहीं चाहिए। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्य से अपनी आवश्यकता से दान लेता है तो पाप पुण्य कर्मों में नहीं फंसता। भगवान वामन ने प्रत्यक्ष बलि महाराज को इंगित कर रहे थे कि उसके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भगवान की संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता। भगवान वामन ने प्रत्यक्ष बलि महाराज को इंगित करें कि उसके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। भौतिक जगत में सारे क्लेश, तो यहाँ पे प्रभुपाद उसी को ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसी का अनुवाद करें कि भौतिक जगत में सारे क्लेश अपव्यय के कारण होते हैं। मनुष्य अनाधुन धन एकत्र कर लेता है और उसका अपव्यय भी करता है, ऐसे कार्यकलाप पापपूर्ण। सारी संपत्ति भगवान की और सारे जीव भगवान के संतान होने के कारण अपने परम पिता की संपत्ति का उपभोग करने के अधिकारी, किंतु कोई आवश्यकता से अधिक नहीं ले सकता। इस सिद्धांत का पालन ब्राह्मण या सन्यासियों को विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि वे अन्यों के बल पर पलते हैं। इस तरह वामन देव एक आदर्श याचक थे, क्योंकि उन्होंने केवल तीन पग भूमि मांगी थी। निसंदेह उनके पगों में तथा एक सामान्य व्यक्ति के पगों में अंतर। भगवान अपनी अचिंत पराक्रम से अपने पद चाप को असीम माप से सारे ब्रह्मांड को घेर सकते हैं, जिसमें उर्ध अधो तथा मध्य लोग सम्मिलित हैं। ये सब जो है उन्होंने वामन देव जी ने बाली महाराज की प्रशंसा की। अब बली महाराज जो है, बली महाराज बोलते हैं, श्री बलिर वाच अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिष्मति स्वार्थ प्रत्यय बुधो यथा। बली महाराज ने कहे, ब्राह्मण पुत्र तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुष जैसे हैं, तुम तो अभी बालक और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, तुम्हें अपने भेद का पूरा ज्ञान नहीं। बलि महाराज बोलते तीन पग भूमि मांग रहे तुम ब्राह्मण, ये वामन देव को बोल रहे हैं जो भगवान से है, क्योंकि भगवान बाल ब्रह्मचारी का रूप बन के भिक्षा मांग रहे हैं। भगवान को तो पता था कि क्या करना है, लेकिन बलि महाराज चाहे ब्राह्मण पुत्र तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुष जैसे हैं, तो भी अभी तक तुम बालक और अब तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतः तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं। तात्पर्य भगवान अपने में परिपूर्ण आते हैं, उन्हें अपने स्वार्थ के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए।
अतः भगवान वामन देव बलि महाराज के पास सार साधन के लिए नहीं गए थे, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, भोक्तारां जगतप्सान सर्वलोक महेश्वर। भगवान इस लोक के तथा स्वर्ग लोक के सभी लोकों के स्वामी हैं, भला उन्हें भूमि की क्या आवश्यकता है। बलि महाराज ने ठीक ही कहा कि वामन देव को अपना हित के लिए तनिक भी बुद्धि से काम नहीं ले रहे। वामन देव अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु भक्तों के कल्याण के लिए बलि महाराज के पास गए थे। बुद्धि से काम नहीं ले रहे भक्तगण भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे स्वार्थों की बलि चढ़ा देते। इस तरह भगवान को भी अपना निजी स्वार्थ न रखते हुए भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जो स्वयं पूर्ण है उसमें भला कोई स्वार्थ कैसे हो सकता है। 19वें श्लोक में माम वचो भी समाराध्य लोका नाम एकमीश्वरम पदत्रयम वृणीते यह अबुद्धिमान द्वीपदाशिषम। मैं तुम्हें समुचा द्वीप दे सकता हूँ क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूँ। तुम मुझसे कुछ लेने आया और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया, किंतु तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे होते, तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते। बलि महाराज वामन देव को बोल रहे, तो वामन देव भी ट्रिक कर रहे थे, भगवान भी ट्रिक कर रहे थे। तो ये बलि महाराज बोल रहे, तुम 3 पग भूमि मांग रहे, तुम बुद्धिमान नहीं लगते, तुमने मुझे संतुष्ट किया है, तुम जो मांगो ले सकते। तात्पर्य वैदिक ज्ञान के अनुसार समस्त ब्रह्मांड शून्य का सागर है, उस संसार में असंख्य लोक हैं और इनमें से प्रत्येक लोक एक द्वीप कहलाता है। जब वामन देव बलि महाराज से भिक्षा मांगने गए तो सभी द्वीप वास्तव में उनके अधिकार में थे। बलि महाराज वामन देव के स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे और वे मुंह मांगी भूमि देने को तैयार थे, लेकिन जब वामन देव ने केवल 3 पद भूमि मांगी तो बलि महाराज विश्व के भी अधिक बुद्धिमान है। न पुमान माम उपव्रज्य भूया याचितुम अर्हति तस्मात् वृत्ति करी भूमि वटो कामम प्रतिच्छम। ये बालक जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास में आता है तो उसे अन्यत्र कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, रहनी चाहिए। अतः चाहो तो तुम मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारे जीवन यापन संबंधी आवश्यकता पूरा हो सके। श्री भगवान वाच यावंतो विषया पृष्ठा त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रति पूरयितुम। भगवान ने कहा, हे राजन, जिस मनुष्य की इंद्रिया वश में नहीं है उसे तीनों लोकों में इंद्रिय को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवान ने कहे, राजन, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है उसे तीनों लोकों में इंद्रिय को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है संतुष्ट नहीं कर सकता। तात्पर्य भौतिक जगत वह माया है जो जीवों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित करती है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक वस्तुओं पाने के लिए लालयित रहता है, किंतु वास्तव में जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति न होकर आत्म साक्षात्कार है। अतः जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं उन्हें अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि शामिल है। इसी प्रकार से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इंद्रियों को वश में करने का उद्देश्य मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में से रोकना है, जैसा कि ऋषभ देव ने कहा है, नूनम प्रमत्त कुरुते विक्रम यदिन्द्रिय प्रीत्या प्रणोति न साधु मन्ये यतात्मनो अयम् असन्नपि क्लेशदाह सदेह। जब कोई मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह निश्चित रूप से भौतिक जीवन के पीछे पागल हो जाता है और सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहने लगता है। वह नहीं जानता कि विगत दुष्फलों के परिणाम स्वरूप ही उसे शरीर प्राप्त हुआ जो क्षणिक होते हुए भी उसके दुख का कारण। वास्तव में जीव को यह भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करना चाहिए था, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे शरीर दिया गया। अतः मेरे विचार से किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उपयुक्त तो नहीं होगा कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लिप्त हो, जिनसे वह लगातार एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त करे। इस तरह ऋषभदेव के अनुसार इस भौतिक जगत के सारे मनुष्य पागलों की तरह उन कार्यों में लगे हुए हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए, किंतु जिन्हें मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए अवश्य संपन्न करें। ऐसे कार्य उत्तम नहीं है क्योंकि इससे उसे अगले जीवन में अपने दुष्कर्मों के दंड स्वरूप पुनः शरीर प्राप्त हो
और पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होने पर उसे संसार में बार बार कष्ट उठाने पड़ते। अतः वैदिक या ब्राह्मण संस्कृति मनुष्य को सिखाती है कि किस प्रकार जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहा जाए। इस सर्वोच्च संस्कृति की शिक्षा देने के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्कृति की जाती है। वर्णाश्रम विभागों अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास का उद्देश्य इंद्रिय को वश में करने और कम से कम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने की शिक्षा देना। आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामन देव बलि महाराज की इस भेंट को ठुकराते हैं कि वे जो चाहे सो माने। वे कहते हैं संतोष के बिना कोई कभी सुखी नहीं रह सकता भले उसे सारे जगत या सारे ब्रह्मांड की संपत्ति करने लगे। अतः मानव समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य संस्कृति का पालन होना चाहिए और लोगों को उतने से ही संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए जितनी की उन्हें आवश्यकता हो। आधुनिक सभ्यता में ऐसी कोई शिक्षा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट तथा दुखी। इसलिए कृष्ण भावनावत आंदोलन में विशेष रूप से अमेरिका में विविध कृषि क्षेत्रों की स्थापना कराई जिसे सुखी बनने और जीवन में न्यूनतम आवश्यकता से संतुष्ट रहने हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने का बड़ी आसानी से आत्म साक्षात्कार के लिए समय बचाया जा चुका। आगे बलि महाराज बोलते हैं, आगे वामन देव बोलते हैं, त्रिविक्रमे संतुष्ट द्वीपेन अपि न पूर्यते नव वर्ष समेतेन सत्वदीप वरेच्छा। यदि मैं तीन पद भूमि से संतुष्ट न हो तब तो यह निश्चित है कि नौ वर्षों से युक्त सातों द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं होगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। वामन देव जी बोलते सप्तदीप अधिपतय नृपा वैण्य गणादय अर्थे कामे गतानंतम कृष्णाया इति न श्रुतम। हमने सुना है कि यद्यपि महाराज पृथु तथा महाराज गय जैसे शक्तिशाली राजाओं ने सातों द्वीपों पर स्वामित्व प्राप्त किया था किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ था न ही मैं अपनी आकांक्षाओं का कोई अंत पा सका। ये बलि महाराज शिक्षा दे। यदच्छया उपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम न संतुष्टम त्रिभी लोके अजितात्म प्रसादिते। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उसे संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है वो तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं रह सकता। तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं यदि सुखी जीवन का चरम लक्ष्य है तो प्रारब्ध से जो पद प्राप्त हुआ है उसी से मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी यही आदेश दिया है, सुखमेन्द्रिय कम देत्या देह योगेन देहिनाम सर्वतलब दे देवात यथा दुखम अयत्न। ये देवती मित्रों, देह स्पर्श के द्वारा इंद्रिय विषयों से अनुभव किया जाने वाला सुख जीवन के किसी भी रूप में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना किसी प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार की हमें दुख प्राप्त होता है। सुख प्राप्ति के संबंध में विचारधारा बिल्कुल सही। भगवद गीता में असली सुख का वर्णन इस प्रकार आता है, सुखम आंति कमियत बुद्धि ग्राह्य मतेन्द्रियम आध्यात्मिक रूप से हर्षमय स्थिति में मनुष्य असीम दिव्य में सुख में रहता है और दिव्य इंद्रियों के द्वारा उसका भोग करता है। इस प्रकार स्थापित हो जाने पर वह सत्य से कभी दूर नहीं जाता। देवती मित्रों, देह स्पर्श के द्वारा इंद्रिय विषयों से अनुभव किए जाने वाला सुखी सुख जो है जीवन के किसी भी रूप में अपने पूर्व कर्म के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना किसी प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार की हमें दुख प्राप्त होता है। सुख प्राप्ति के संबंध में विचारधारा बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि अपने असुर मित्रों को के जैसे जैसे दुख बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाता है उसी तरह भाग्य में जो सुख लिखा है वो भी बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति सोचे कि बहुत मेहनत करके मैं सुख को प्राप्त करूंगा तो फिर उसको याद रखना पड़ेगा कि उसने दुख के लिए तो कोई मेहनत नहीं की। दुख कैसे प्राप्त हो गया? अगर कोई बोलता है कि सुख के लिए मेहनत करनी पड़ती है तब जाके सुख मिलता है तो फिर दुख कैसे मिला?
आते ही तो उनसे हर समय स्थिति में मनुष्य असीम दिव्य सुख में रहता, दिव्य इंद्रियों के द्वारा उसका भोग करता है। इस प्रकार स्थापित हो जाने पर वो कभी सत्य से दूर नहीं भागता है। मनुष्य को सुख की अनुभूति परा इंद्रियों से करनी होती। परा इंद्रियां भौतिक तत्वों से बनी इंद्रियां नहीं होती। हम में से प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्राणी, अहम ब्रह्मास्मि, और प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टि देही। इस समय हमारी इंद्रियां भौतिक तत्वों से आच्छादित है, और अज्ञान के कारण आच्छादित करने वाली इन इंद्रियों को हम अपनी वास्तविक इंद्रियां मान लेते हैं। किंतु अपनी वास्तविक इंद्रियां तो भौतिक आवरण के भीतर। तो ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के जो प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और आध्यात्मिक चेतना का अनुशीलन करना चाहिए, तभी वो सुखी होगा। कृष्ण भावना मत का आंदोलन का प्रयोजन उसी ज्ञान का प्रसार करना है। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, वे ब्रह्म सोचते हैं कि कृष्ण भावना भावित आंदोलन के सदस्य भौतिक कार्यकलापों से दूर रहने का प्रयास करने वाले पलायनवादी। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता, वे ब्रह्मवश सोचते हैं कि कृष्ण भावना मत आंदोलन के सदस्य भौतिक कार्यकलापों से दूर रहने का प्रयास करने वाले पलायनवादी हैं। जबकि तथ्य है कि हम जीवन के चरम सुख को प्राप्त करने के वास्तविक कार्यों में लगे। यदि किसी को आध्यात्मिक इंद्रिय को तुष्ट करने का प्रशिक्षण न मिले तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे तो उसे कभी भी नित्य तथा आनंदमय सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए भागवत में पुष्टि की गई, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम सुधीर यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए जिससे उसकी उसका अस्तित्व परक स्थिति पवित्र हो जाए और उसे असीम आनंदमय जीवन की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम में वामन देव जी बलि महाराज को ये उपदेश दे रहे हैं। तो आज ये समय हो गया है और आज के जो प्रश्न है वो हम कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। धन्यवाद।